फ्रेंड्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ज्ञान के निर्माण के सिद्धांत। मैंने पहले आपको ज्ञान के बारे में विस्तार से बताया था, इसमें से कुछ अपना टॉपिक था जो छूट गया था, उसी का ही वर्णन मैं कर रही हूँ। ज्ञान के निर्माण के सिद्धांत कि ज्ञान का जब निर्माण किया गया तो किन किन सिद्धांतों को माना गया, कि किन किन सिद्धांतों का इसमें समावेश होना चाहिए, कि ज्ञान में हमें ऐसी कौन सी चीज़ों का समावेश होना चाहिए, यही इसके सिद्धांतों पर ज्ञान के निर्माण के सिद्धांत बताए हैं। जैसे इसमें सबसे पहले अनुभववादी सिद्धांत, हमने देखा था ज्ञान के प्रकार भी पढ़े थे हमने, उसमें भी हमारे अनुभव का समावेश था। उसी तरह से इसका प्रथम जो सिद्धांत बनाया है वो है हमारा अनुभववादी सिद्धांत। कहते हैं कि अनुभववादी सिद्धांत के लिए, यानी हम कहते हैं कि हमारे जीवन में जब हमें किसी का ज्ञान को बढ़ाना है आगे, तो उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे उसके अंदर अनुभव का समावेश होना सबसे जरूरी होता है। अगर ज्ञान बिना अनुभव के हम आगे उसे नहीं बढ़ा सकते, उसी का इसमें वर्णन किया था। इसीलिए जॉन लॉक ने कहा था, जो हमारे शिक्षाविद थे जॉन लॉक जी ने कहा था कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके जो मस्तिष्क है वो एक कोरा कागज होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके जो मस्तिष्क पटल पर वो जो कोरे कागज होता है उस पर वो अनुभव के नाम से अपने ज्ञान की छाप छोड़ते हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि ज्ञान हम क्या करते हैं, अनुभवों से अर्जित करते हैं। कहते हैं ज्ञान हमारा जन्मजात ना होकर, ये इनका मानना था अनुभववादियों का, कि ज्ञान हमारा, कहते हैं, जन्मजात नहीं होता है, ज्ञान को हम अर्जित करते हैं। और जॉन लॉक का कहना था कि बच्चा जब जन्म लेता है, वह कोरा कागज होता है, इसीलिए इसमें कहते हैं कि अनुभववादियों ने सबसे पहले इसमें अनुभवों का समावेश किया। जब ये मानते हैं कि हमारा ज्ञान जन्मजात नहीं होता है, हमें अर्जित किया जाता है, तो इन लोगों का मानना था कि ज्ञान हम अनुभव के माध्यम से बहुत अच्छे से प्राप्त करते हैं, कि ज्ञान को जितना हम सीखेंगे और सीखने के बाद हम उसे अपने अनुभवों में ग्रहण करेंगे, या कहें कि हम अनुभव, अगर हमें कोई चीज़ हमें सिखाई जाती है, किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो अगर हम उनके अनुभवों को, उस ज्ञान को प्राप्त करने के पहले हम ये पूछते हैं कि इस ज्ञान का प्रयोग किसने किया, अर्थात हम उन अनुभवों का वर्णन सुनते हैं, या हमने उस कार्य को किया तो उसे हम अपने जीवन में करके हम इस चीज़ को सीखते हैं। तो इनका मानना था कि इसके जो जॉन लॉक थे उन्होंने यही चीज़ मानी कि हमारा जो भी ज्ञान होता है, ज्ञान हम अर्जित ना करके अनुभव से प्राप्त करते हैं। सेकंड था हमारा बुद्धिवाद का सिद्धांत। सुकरात और प्लेट इस चीज़ को मानते थे, ये बुद्धिवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने बुद्धिवाद को सबसे महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर अनुभव है और अनुभव के बाद में अगर हमें किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो है हमारी बुद्धि, यानी कि बुद्धि से प्राप्त किया गया ज्ञान, यानी कि जो ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है वो ज्ञान होता है हमारा बुद्धिवाद का। उन्होंने ये कहा था कि जो हम इंद्रिय ज्ञान हम जो लेते हैं वो ज्ञान हमारा एक अल्पकालिक ज्ञान होता है, और जो हम बुद्धि से जो ज्ञान हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो एक दीर्घकालिक रूप में हमारे मस्तिष्क पर हमेशा छाप इसकी रहती है। अर्थात ये जो हम इंद्रियों का, हम कहते हैं कि अनुभवों से, हम इंद्रियों के अनुभव से और इससे हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका समय बहुत अल्पकालिक होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, लेकिन जब हम उसे बुद्धि से सोच विचार कर हम कोई ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में आजीवन रहता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें जब किसी चीज़ की ज्ञान प्राप्त करनी होती है तो जब तक हम हमारे मस्तिष्क से, बुद्धि से सोचकर अगर हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं
या हम कहें कि कोई भी कार्य अगर हम बिना सोचे समझे, हम कहें जिसमें हमारे बुद्धि का समावेश नहीं होता है या हम बुद्धि से ना सोचे, तो वो कार्य हमारा पूर्ण नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जहाँ इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान और अनुभव से प्राप्त ज्ञान हमारा जहाँ अल्पकालिक होता है, वहीं बुद्धि से, स्वयं की बुद्धि से प्राप्त किया हुआ ज्ञान हमारा कैसा रहता है? आजीवन उपस्थित रहता है। वो हमारे मस्तिष्क में इस तरह से, हमारे मस्तिष्क में उनका जो सारा वर्णन होता है वो हमारे उनके हमारे मस्तिष्क में रहता है। इसीलिए इसको कौन मानते थे? हमारे जो सुकरात और प्लेटो थे, दोनों बुद्धिवाद के सिद्धांत को सबसे प्रमुख मानते थे कि बुद्धिवाद का जो सिद्धांत है वो हमारा एक सार्वभौमिक सिद्धांत अर्थात सार्वभौमिक पर आधारित है कि अगर हमने बुद्धि से कार्य किया है तो वो कार्य हमारे किस पर? सत्यता पर आधारित है। सार्वभौमिक, अगर हम बुद्धि से कार्य किया है तो वो कार्य हमारा सार्वभौमिक है। इसीलिए इसे बुद्धिवाद के सिद्धांत के जनक मानते हैं प्लेटो और सुकरात। थर्ड था हमारा संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत। इसके लिए संवेद, जिसमें हम सिर सब काम में लेते हैं हमारे, यानी कि हमारी जो भी संवेदी पेशियां होती हैं उनको हम इसमें काम में लेते हैं। इसके जो अरस्तु जी थे उन्होंने इसके लिए कहा था कि चेतन सामग्री की क्षमता को तर्क के द्वारा वास्तविक बनाया जाता है। यानी कि मस्तिष्क में हमारी क्या एक संवेदी पेशी है, उसमें हम सोचते हैं, तो कहते हैं कि जिस तरीके से हमारा अनुभव हमने ग्रहण किया और बुद्धि से हमने सोचा, वही हम बुद्धि से सोचने के बाद में उसे वास्तविक बनाने के लिए हमारी संवेद पेशियों का अहम स्थान होता है। यानी हम उनके द्वारा, हम कहते हैं ना कि जो हमारी संवेद पेशियाँ, अगर हमारी इंद्रियों को जो संवेद कर्मी है सोचने विचारने की सुनने, अगर इनका हमारे कर्मेंद्रियों का इसके अंदर संवेद पेशियाँ हैं उनके अंदर हमारी कर्मेंद्रियों का समावेश होता है, उनके द्वारा हम कार्य करते हैं। जहाँ चेतन की बात होती है, सोचने की बात होती है, तो हम कहाँ सोचते हैं? हमारे मस्तिष्क के द्वारा। तो इसमें कहते हैं कि ये अनुभववाद और जो बुद्धिवाद दोनों के विपरीत जाकर इन्होंने कहा था कि कैसा होना चाहिए हमारा ज्ञान का सिद्धांत? संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत होना चाहिए, जिसमें कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमारी चेतन सामग्री की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, उसको हम तर्क के द्वारा हम उसे वास्तविक बना सकते हैं कि ये हमारा सही है या गलत। ये हमारे चेतन जो सामग्री है उसको वास्तविक बनाया जाता है। हम अनुभव के साथ इन उद्देश्यों को, कार्य को आरंभ कर सकते हैं, बुद्धि के द्वारा हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास उसके तर्क नहीं होते हैं तो तर्क के बिना हम उसे सत्य नहीं बना सकते। और ज्ञान के लिए हमने देखा है कि ज्ञान हमेशा सत्यता प्रमाणिकता का प्रमाण होता है। इसीलिए जब तक हमारे पास उसके लिए तर्क नहीं होंगे तब तक हम उसे वास्तविक नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमारे अरस्तु जी ने कही थी कि चेतन सामग्री की क्षमता को तर्क के द्वारा वास्तविक बनाया जाता है। फिर आता है हमारा प्रायोगिक सिद्धांत। प्रायोगिक सिद्धांत यानी कि जिसे हम प्रयोग करके देखें, प्रयोग करके देखें। हमने देखा था कि जॉन डीवी थी, उन्होंने इसी प्रयोगवादी सिद्धांत पर आधारित होकर, प्रायोगिक सिद्धांत पर आधारित उन्होंने जो छोटे छोटे प्रयोगशालाओं का उन्होंने निर्माण किया था, उनका कहना था कि प्रयोजनवाद का जो सिद्धांत है, प्रयोजनवाद का सिद्धांत जीवन से संबंधित होता है, जीवन से संबंधित होता है, जीवन से संबंधित होता है। यानी कि हम जो कार्य हमारे जीवन में करते हैं वो भी हमारा प्रयोग पर आधारित है। ये कहते हैं कि जीवन का सिद्धांत है जो हमारे प्रयोग पर आधारित है और इसके द्वारा इन्हीं विधियों को अपनाने के वो समर्थक थे कि हम जो भी कार्य करें उसे हम प्रयोग करके देखें। हमने देखा था कि हमारी जो परंपरागत हमारी शिक्षा थी, हमारा ज्ञान था, वहाँ हमारे कहीं भी प्रयोग पर हमारा जोर नहीं दिया या हम कहें हमारे जीवन से संबंधित हमें ज्ञान नहीं दिया गया। लेकिन जैसे जैसे इसमें परिवर्तन होता गया समाज से, और आज का कहते हैं जैसे ही शिक्षा को समाज से और वास्तविक जीवन से जोड़ा गया, वहाँ ने हमारी शिक्षा ने एक नया रूप लिया और वो था हमारा प्रयोग। अर्थात हमारे शिक्षा में, हमारे ज्ञान में, हमारे पाठ्यक्रम में, सभी में ही
प्रायोगिक शिक्षा को महत्व दिया गया, अर्थात हम उसको करके सीखें और करेंगे तभी जब हमारे जीवन में हमारी उसकी उपयोगिता होगी। अगर हमारे जीवन से संबंधित अगर हमारा ज्ञान नहीं होगा तो हम उस ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत नहीं समझे, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और हम उसी से संबंधित हमारे ज्ञान प्राप्त करने के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि प्रायोगिक सिद्धांत जो था जॉन ड्यू विधि ने इन तीनों का खंडन करके यही चीज कही थी कि ज्ञान हमेशा प्रायोगिक होना चाहिए, अर्थात जिसे हम करके सीखें और हमारे जीवन में हम उसका प्रयोग करें। ये इनका मानना था कि प्रयोजनवाद को ही हम क्या कहते हैं, प्रयोगवाद, यानी कि जो प्रयोजनवाद था वो हमारा प्रयोगवाद है। फिर आता है हमारा योग सिद्धांत। योग सिद्धांत का नाम आते ही हम जानते हैं कि जो बाबा रामदेव जी पतंजलि का जिन्होंने पूरा कहते हैं कि एक इसके जो जनक थे वो कौन थे, बाबा रामदेव, यानी कि योग शिक्षा पर कहते हैं कि मनुष्य जहाँ हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अनुभव से भी, बुद्धि से भी, समेत पेशियों से, हमारे जीवन से, तो योग शिक्षा, योग सिद्धांत का इसमें समावेश होना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य हमारे जो व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो हम उन्हीं योग सिद्धांत, योग शिक्षा को अपनाकर हमारे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या, स्ट्रेस, चिंता, उसे हम इसके द्वारा दूर कर सकते हैं। तो बाबा रामदेव जी का मानना था, पतंजलि का जिन्होंने निर्माण किया, कि हम जब इन चीज़ों का जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें हमारे कहीं ना कहीं योग शिक्षा को भी अपनाना चाहिए, योग से संबंधित हमें ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि जब तक योग के द्वारा क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। प्राणी जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी उतना ही काम करेगा और जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान हम अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। तो योग सिद्धांत का भी मानना था कि योग सिद्धांत, हमारा जो ज्ञान है वो योग सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, जिससे कि मनुष्य अपने चिंताओं को, अपने जो विचार हैं उनको, जो चिंताएं विचार जो उनकी चिंता का रूप लेते हैं उनको हम दूर कर सकें। फिर है हमारा समीक्षावाद का सिद्धांत। समीक्षावाद का सिद्धांत किसने माना था, कांट ने। हम मानते हैं कि जो कांट थे वो हमेशा से आलोचक रहे हैं, उन्होंने हमेशा किसी ना किसी की आलोचना करके उसको सही किया है, तो वे आलोचकवाद माने जाते हैं इनको। इसीलिए इन्होंने अनुभववाद, बुद्धिवाद, इन दोनों का खंडन करते हुए इन्होंने समीक्षावाद का रूप लिया। समीक्षावाद में इन्होंने कहा कि इंसान जब कार्य करता है तो कहते हैं हम जब कोई कार्य करते हैं उससे पहले सोचते हैं, तोलते हैं उसके बारे में, उसकी समीक्षा करते हैं, हम ये कहें कि हम तुलना करते हैं। तो इन्होंने जब ये सिद्धांत अपनाया था समीक्षावाद का, तो उन्होंने अनुभव और बुद्धिवाद दोनों से निष्पक्ष होकर इन्होंने कही थी कि इन दोनों को हटाकर हम इसका एक परीक्षावाद किया जाए, जिसके अंदर कि हमें कार्य को करने से पहले हम उसके बारे में बोल सके कि ये कार्य जो हम कर रहे हैं, तुलना कर सके कि हम वो कार्य कर रहे हैं जो सही है या नहीं। तो कहते हैं कि ये जो परीक्षावाद के दर्शन थे, इन्होंने कार्य को करने से पहले तोलना अर्थात उसको जानना ज़्यादा जरूरी समझा, कि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं उसे हमें पूर्ण तरीके से हमें पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने एक इसका नाम परीक्षावाद भी दिया था, अर्थात परीक्षा लेकर अगर हम तोलते हैं उसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, तो किसी कार्य के बारे में जब हम जानकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो वो हमारा एक परीक्षा का नाम होता है। तो इसको परीक्षावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर है कहते हैं कि इन्होंने इसी बात पर कांट ने बोला था कि बुद्धि और अनुभव की समीक्षा करके क्रियाओं का क्या करता है, इसका इनकी जो सभी क्रियाओं का महत्व हो जाता है। अगर हम बुद्धि भी लेते हैं उसमें, बुद्धि के साथ हम अनुभव भी ग्रहण करते हैं, तो हमें इन दोनों की जो क्रियाएं हैं उस पर हमें तुलना करनी चाहिए, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ये हमारे आज के सिद्धांत थे। हमारे सबसे पहले ज्ञान में अनुभववादी का सिद्धांत, जो कि जॉन लॉक ने कहा था कि भाई बच्चा एक कोरा कागज होता है, अनुभव के द्वारा सीखता है।
बुद्धिवाद का सिद्धांत, थर्ड था हमारा समय विवेकपूर्ण सिद्धांत, जिसे क्या करते हैं चेतन सामग्री के द्वारा, एक तर्क के द्वारा हम उसको वास्तविक बनाते हैं। फिर है हमारा प्रायोगिक सिद्धांत, जो प्रयोग पर आधारित होता है, जीवन से आधारित होता है, जीवन से संबंधित होता है, हम उसे हमारे जीवन में होने वाले प्रयोगों का आधार पर हम उसे प्रयोग में लेते हैं। फिर हमारा योग सिद्धांत और लास्ट हमारा समीक्षावाद का सिद्धांत। धन्यवाद।